part. Soon this vlog will be live, so welcome back to my YouTube channel, The Piyush Show. As we know that the last two videos got good response, so looking forward more video content like that. Also, apart from vlogging content, I will add on some content like backyard gameplay, stunt rides, and freestyle parkering and freestyle stunts also. Here comes the shout out for three channels. Basically, जो दोनों चैनल हैं वो अपने भाई लोग के हैं, एक अर्श का है, एक सारंग का है. दोनों जो गेमिंग चैनल है वो फ्री फायर के गेमिंग चैनल हैं. उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाके चेक करो, उन लोग का गेम प्ले बहुत अच्छा है. एंड द थर्ड चैनल इज द प्यू टैग. दीज गाइज आर अमेजिंग. सून यू विल सी देम इन माई अपकमिंग वीडियोज. ऑल द थ्री चैनल लिंक विल बी इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स. There is lot more to be coming in this channel, so please stay tuned with my channel. और आज हम लोग का कुछ प्लान बनाया, पता नहीं अचानक से प्लान बन गया कि कहीं बाहर चलते हैं, तो डायरेक्टली हम उस जगह पे मिलते हैं. और मैं जिस बैकयार्ड गेम प्ले की बात कर रहा था वो कोई और जगह नहीं है, और वो जगह ये है. ऑल ऑफ द सडन प्लान बन गया और आज हम लोग फिर से बाहर एक व्लॉग शूट करने जा रहे हैं. और पीछे से श्रेयश का घंटा बज गया, पता नहीं किस कारण से. बेल आइकन. तो आपने इसको पहले व्लॉग में देख चुका होगा, टेंपल व्लॉग में. वंश को ये हर समय टकली आता हूँ, कैप पहनना पड़ता. और इसको आपने इंदौर वाले वीडियो में देखा होगा, फर्स्ट टाइम इसको देखने जा रहे हो, भानु को. यार अभी निकल चुके हैं घर से हम लोग, को निकले हुए जस्ट 10-15 मिनट हुए हैं. शॉर्ट ड्राइव है. सोच रहे हैं कि थोड़ा सिटी का एक राउंड मार के आए. और भाई लॉकडाउन का सीन तो जबलपुर में कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है. 38 से बोला जा रहा है कि वापस से लॉकडाउन लगने वाला है 4 तक, मतलब रक्षाबंधन के पहले तक. तो भाई लास्ट टाइम हम लोग किसी के बर्थडे, शायद मेरा ही बर्थडे था, तो हम लोग वहीं पे एक ढाबे में पार्टी करने गए थे. तो वही अभी सब डिस्कशन चल रहा था कि लास्ट टाइम हम लोग बाइक से गए थे पूरे लोग. इन भाई साहब ने स्प्लेंडर को 90 पे स्ट्रेच किया, हम लोग लीवो के साथ रेस कर रहे थे इसकी पल्सर एनएस 200 पे. और ये कौन सी गाड़ी में थे तुम? ये स्प्लेंडर में इसके साथ था. और हम लोग भाई लीन जब कर रहे थे ना हम लोग गाड़ी, क्यों श्रेष क्या हुआ था उस टाइम? एकदम लेटा जो बाइक राइड थी ना वो बाइक राइड होती है, मजे से उस बाइक राइड. अच्छा वो थी कि भाई यही था कि बाइक राइड में मजा आती है, ठीक है, पर वेदर कंडीशन अभी ऐसी बनी हुई थी कि बारिश गिरने के पूरे आसार थे, तो सोचा कि गाड़ी से ही चले. डैम की कैपेसिटी अराउंड 433 मीटर्स है. भाई आज पूरे बंदों के साथ अपने आए हुए हैं, गैंग के साथ. पूरे तो नहीं आ पाए पर जितने आए ठीक है. इस डैम के बारे में बताएं तो कुछ कुल 22 गेट हैं इसके. पूरे 22 गेट हैं. एमपी का सबसे बड़ा डैम है. पूरे एमपी में सबसे बड़ा डैम है. एमपी का सबसे बड़ा डैम है और इसी का पानी एक्चुअली में गुजरात में जाता है. जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है वहाँ की जो पूरी रिवर बनाई है, जो फेक रिवर, वो पूरी इन्हीं ने बनाई है. मतलब बेसिकली हमारी ये जो नर्मदा नदी है इसी के ऊपर पूरा वो बना हुआ है. गुजरात में पानी जा रहा है. तो अभी सोच रहे हैं कि वो उसके ये वाले गेट है ना इसके यहाँ पे ऊपर जाने का सोच रहे हैं, तो चलते हैं. गाड़ी फंस ना जाए. गीली मिट्टी है ना.
पूरी शांति, पूरी एकदम बिल्कुल साइलेंट। यहाँ से जो नज़ारा है ये देखो, बहुत दिन से सोचा था इस लोकेशन पे आके एक वीडियो शूट करने का, आखिरकार टाइम मिल ही गया। मतलब बहुत अच्छी जगह है यार, आते ही सब लोग आए हुए होंगे। जो जबलपुर के बाहर के व्यूवर्स हैं उनको भी मैं रिकमेंड करूँगा कि आओ इस जगह को देखो अच्छे से। तो भाई वीडियो को एंड करने का टाइम आ चुका है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, नहीं तो देखते रहिए द पीयूष शो। या भाई देखते रहो पीयूष शो। चलो फिर चल, घूमते जाओ घूमते जाओ घूमते जाओ इसके साथ।